पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या होती है ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने वासोंग 18 नामक एक नवीन ठोस ईंधन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के सफल परीक्षण की घोषणा की। चलिए अब जानते हैं ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी के बारे में। यह ठोस प्रणोदक में प्रयुक्त होने वाली एक प्रौद्योगिकी है। ठोस प्रणोदक में ईंधन और ऑक्सीडाइजर का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम जैसे धात्विक पाउडर ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि अमोनियम परक्लोरेट, परक्लोरिक अम्ल और अमोनिया का नमक ऑक्सीडाइजर के रूप में कार्य करता है। इन घटकों को एक कठोर रबर जैसी सामग्री के साथ बांधा जाता है और धातु के ढक्कन से पैक किया जाता है। ठोस प्रणोदक प्रज्वलित होने पर उच्च तापमान और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो मिसाइल को लॉन्च पैड से उठाने के लिए जोर लगाते हैं। ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राचीन चीनी आतिशबाजी से होती है, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में US के अधिक शक्तिशाली प्रणोदक विकसित करने के साथ पर्याप्त प्रगति देखी गई। सोवियत संघ ने वर्ष 1970 के दशक के शुरुआत में अपना पहला ठोस ईंधन ICBM RT2 का प्रयोग किया। तत्पश्चात फ्रांस की S3 यानी SSBS मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया। चीन ने वर्ष 1990 के दशक के अंत में ठोस ईंधन ICBM क्षेत्र में प्रवेश किया। दक्षिण कोरिया ने भी यह दावा किया कि उसके पास कुशल और उन्नत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक है। ठोस बनाम तरल प्रणोदक। तरल प्रणोदक ज्यादा थ्रस्ट और शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें अधिक जटिल तकनीक और अतिरिक्त वजन की आवश्यकता होती है। ठोस ईंधन सघन होने और तीव्रता से जलने के कारण कम समय में अधिक जोर लगाता है। ठोस ईंधन को बिना नष्ट किए लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह तार्किक रूप से अधिक सुविधाजनक हो जाता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ठोस ईंधन मिसाइलों को संचालित करना आसान एवं सुरक्षित है। इसके लिए कम साजो सामान की आवश्यकता होती है, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है, और वे तरल ईंधन शस्त्रों की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं। अंत में देखते हैं ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी के निहितार्थ। बड़े पैमाने पर मिसाइल आधारित परमाणु बलों का संचालन करने वाले देश ठोस प्रणोदक मिसाइलों को प्राथमिकता देते हैं। वे किसी संकट के दौरान अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि लॉन्च से पहले उन्हें तत्काल ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती है। वासोंग 18 जैसे ठोस ईंधन ICBM के विकास को उत्तर कोरिया की परमाणु प्रतिक्रिया हमले की क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसमें एल्यूमिनियम जैसे धात्विक पाउडर ऑक्सीडाइजर का कार्य करते हैं। दो, इसमें अमोनियम परक्लोरेट ईंधन के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।